मुझे भी एक ऐसे मिला कि आपको पिक्चर क्लिक करवाने हैं और आपके होर्डिंग्स लगेंगे. आई वाज लाइक वाओ, आई गेट पेड फॉर दैट एंड मेरे पिक्चर्स भी आएंगे, दैट्स सो सुपर्ब. My journey has been great so far. थोड़ी मुश्किलें आएँ बिकॉज आई एम फ्रॉम जयपुर और वहाँ पे यू नो मेरे जो पेरेंट्स थे इतना एक्सपोज नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री को लेके, तो उन्हें ये लगता था कि अरे इतने सारे लोग जाते हैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा. मतलब सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि मुझे यू नो कि निग्लेक्ट कर रहे थे या मुझे सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, वरिड थे. क्योंकि छोटे शहरों में और कंजर्वेटिव फैमिली में यूजुअली धारणा होती है कि बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बने. पर धीरे धीरे मैंने कहा नहीं, आप मुझे एक मौका दो, मुझे जाने दो. फिर मैं पहले दिल्ली गई. दिल्ली जब गई तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की. फिर मुझे लगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर. तो फिर मैं बॉम्बे आई. बॉम्बे मैंने एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया. वो एक्टिंग स्कूल का नाम था किशोर नमित कपूर और सर बहुत ही अमेजिंग थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे. और फिर मैं ऑडिशन देती गई एंड फिर काम मिलता गया. और फिर घर वाले भी खुश होते जब पहली बार मेरा उन्होंने शो देखा, टीवी पे देखा. तो मेरे, मुझे अभी भी याद है कि मेरे फादर ने मुझे कॉल किया और उनकी आंखों में आंसू थे. उन्होंने बोला कि बेटा आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू और तुमने जो बोला था वो तुमने किया. फिर उसके बाद से कंटिन्यूसली सपोर्ट मिलता रहा. फिर आस पड़ोस के लोग, नानी, रिश्तेदार, सब लोग काफ़ी सपोर्टिव रहे. तो हाँ, जर्नी काफ़ी अच्छी रही, अप्स एंड डाउन्स भी रहे. बीच में ऐसा भी टाइम आया कि ऑडिशन देते रहे, कुछ काम ही नहीं बन रहा है. पर इवेंचुअली हार नहीं मानी कभी भी, कुछ ना कुछ करती गई और आज यहाँ तक है. और अभी तो शुरुआत हुई है, आगे बहुत आगे जाना है. इट इज लिटरली व्हेन आई वाज 19, आई वुड से 1920, कॉलेज टाइम में इट हैपेंड. जब मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी, देन मेरी हमारे वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो मतलब शूट्स लेके आते हैं. तो कॉलेज में बच्चों को जब नए फ्रेश फेसेस होते हैं तो वो पिच करते हैं. तो मुझे भी एक ऐसे ही मिला कि आपको पिक्चर क्लिक करवाने हैं और आपके होर्डिंग्स लगेंगे. आई वाज लाइक वाओ, आई गेट पेड फॉर दैट एंड मेरे पिक्चर्स भी आएंगे, दैट्स सो सुपर्ब. तो फिर मैं गई, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा. वो शूट के होर्डिंग्स जयपुर में लगे तो तब मुझे लगा कि वाओ, आई कैन डू इट एंड दिस इज़ माय थिंग. मैं पढ़ाई में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट जो कि यू नो पासिंग मार्क्स एंड लाइक 70-60% की स्कोर करती. तो मुझे लगा था कि ये शायद मैं इससे बेटर कर पाऊँ, एक्टिंग और मॉडलिंग आई कैन डू बेटर. तो फिर मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई. और फिर मैंने, हाँ मैं भूल गई बताना, फिर मैंने एक हमारे जयपुर में मिस राजस्थान होता है, तो आई वाज लाइक कि मेरे दोस्त ने बोला तुम कर लो पार्टिसिपेट. मैंने कहा अच्छा मैं कर लूँ, मुझे कुछ तो आता नहीं है. तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जस्ट गिव अ शॉट. तो आई पार्टिसिपेटेड एंड आई वॉन दैट शो. सो उसके बाद आई केम टू दिल्ली. ऑफ कोर्स एंड आई एम श्योर हर कोई स्ट्रगल फेस करता है. ऐसे नहीं है कि मैं घर पे बैठी थी और मुझे सलमान खान या किसी ने भी बोला कि मैडम आपके लिए एक रोल है, आ जाइए. तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया. स्ट्रगल इन द सेंस मुझे साथ कभी कोई कास्टिंग काउच जैसी कोई बात नहीं हुई. बट या फॉर श्योर कि मैं ऑडिशन देने जाती थी, तब तो मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं होते थे कि कहाँ जाएँ, किससे मिलना है, किससे बात करनी है. अरे जाए तो जाए कहाँ, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कौन जेन्युइन है. सबसे बड़ी बात तो कि कौन, इतने सारे लोग आ जाते थे, हम ये कर रहे हैं, हम कर रहे, पर आधे से ज़्यादा फ्रॉड होते थे. तो ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा स्ट्रगल पॉइंट ये होता है जब आप नए होते हो ना, कि आपको पता नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है. अब मुझे इतना कोई गाइड करने वाला भी नहीं था. आई वाज लाइक मुझे फ्रेंड्स बता देते थे या एक्टिंग स्कूल से जो मिलता था लिस्ट कि यहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे चले जाओ. तो उस तरीके से ही मुझे सब कुछ पता चला. और ये स्ट्रगल तो रहता है कि आपको धीरे धीरे पता चलता है कि कौन सी चीज़ जेन्युइन है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस फेक है, या जो कास्टिंग वाले लोग आते हैं तो उनमें से ज़्यादातर फेक होते हैं. पर जन धीरे 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 मुझे पता चला कि ये सही लोग हैं, यहाँ पे जाना है, डायरेक्टली जाना है. फिर देन इट गॉट ईजी फॉर मी. या आई डू.
I would say my first reality show. It was Splitsvilla 9 on MTV, and that time was very lean. तो वो शो जो है वो मेरे दिल के काफ़ी करीब रहेगा क्योंकि मेरा पहला ब्रेक था जिसके थ्रू मुझे यूथ जो है यूथ ने फॉलो करना शुरू किया और यूथ ने काफ़ी अप्रिशिएट किया. उसके बाद आई वुड से कि मुझे एक शो मिला कुंडली भाग्य जो कि एकता कपूर का शो था जिसमें मेरा कैरेक्टर था तापसी और वो लोगों ने काफ़ी किरदार पसंद किया. MTV सिर्फ यूथ तक था लेकिन जो कुंडली भाग्य है वहाँ वो एक हर तरीके की ऑडियंस देखती थी. बड़े भी देखते थे, बूढ़े भी देखते थे, बच्चे भी देखते थे, दादाजी भी देखते थे. तो वो जो ऑडियंस थी वो घर घर में हर कोई देखता है. एक खाली यूथ नहीं, हर तरीके की, हर उम्र के लोग उसमें थे. तो मुझे ये दो शो मेरे दिल के काफ़ी करीब रहेंगे. मेरी अभी एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है मीटू, #MeToo. अभी कुछ और चीज़ें लाइनअप है लेकिन आपने अगर मीटू नहीं देखी है तो गो एंड वॉच मीटू. कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी और कभी भी गुस्सा ना करें, प्यार फैलाइए और अच्छी अच्छी बातें कीजिए. दैट्स ऑल. और मायापुरी देखते रहिए. हाय, दिस इज ईशा आनंद शर्मा एंड यू वॉचिंग मी ऑन मायापुरी कट. We'll be right back.